कि तेरी सफर सन 5 हिजरी एक रिवायत के मुताबिक मोहसिन इस्लाम हजरत अबू तालिब की बीवी फातिमा बिनते असद रसूल खुदा की चची फातिमा बिनते असद कसीमे जन्नत व नार अमीरुल मोमिनीन अली अपने अबी तालिब की वालिदा फातिमा बिनते असद की वफात की तारीख। आज की रात फातिमा बिनते असद की वफात की रात है। तो एक जुमला खाली अर्ज कर रहा हूं, वो वाकया तो बहुत मशहूर है इसलिए पढ़ नहीं रहा। फातिमा बिनते असद को भी जब कब्र में उतारा गया तो पहले रसूल खुदा कब्र में उतरे, फिर कहा कि आया अली अब मेरी चची को कब्र में उतारो। लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह आप कब्र में क्यों उतरे? कहा इसलिए कि मेरी चची जब पिशारे कब्र का आजाद सुनती थी तो कांप उठती थी। अब अंदाज देखिए कितना फर्क। फातिमा बिनते असद पिशारे कब्र क्या कि जब मुर्दा कब्र में जाता है तो कब्र की दीवारें उसे अपने दरमियान लेके दबाती। फातिमा बिनते असद पिशारे कब्र का आजाद सुने तो कांप उठती है और मुझसे कहती है कि है मेरे भतीजे मैं इतना सख्त अजाब कैसे बर्दाश्त करूंगी। जो मौला की मां है, जो हसनैन जवाना ने जन्नत के सरदार की दादी है, जो सैयदाए निसाए आलमीन फातिमा की सास है और जो सबसे बढ़कर शफी और मुजरबी रसूल खुदा की चची मगर ऐसी चची कि मां से ज्यादा मेहरबान, वो तो अजाब कब्र सुन के कांपे और ये कहें कि मैं इस मरहले से कैसे गुजरूंगी। और पैगंबर का भी ये जवाब नहीं है कि जैसी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, नहीं कहा कि यकीनन ये अजाब आप पे नहीं आएगा, लेकिन इसके लिए पैगंबर कब्र में उतरे, बाहर आके कहा कि जिस मिट्टी को नबी का जिसे मस कर ले वो फिर किसी को अजाब नहीं देती है। इस तरीके से बिनते असद को इत्मीनान दिलाया, हमारी आपकी तरह से इत्मीनान नहीं दिलाया। भाग्य वरिष्ठों कौन आ गए मुझे अजाब देने वालों, इस तरह से इत्मीनान नहीं दिलाया कि मदने में जाना कयामत में कहीं छुपके खड़े हो जाना फरिश्ते ढूंढते ही रहेंगे और तुम पहुंच जाओगे छुपके से। इस तरह से इत्मीनान नहीं दिलाया गया, जसारत नहीं दिलाई गई, गुनाहों पे बेबाक नहीं किया गया, सीरत अहले बैत के खिलाफ चलने पे आमादा नहीं किया गया, चची को भी इत्मीनान दिलाया। चची पे आ ही नहीं सकता है अजाब यकीन काबिल। मौलाए कायनात की माओ जवाना ने जन्नत के सरदार पे कोई अजाब और अजाब क्यों आता है? क्या अल्लाह जालिम है कि अजाब भेजता? अजाब आता है अकीदे में कोई कमी हो या अमल में कोई कमी। फातिमा बिनते असद का अकीदा कायनात का बेहतरीन अकीदा का, फातिमा बिनते असद का अमल ऐसा कि मेरा तो दिल जाता है कि उन्हें भी मासूमा कह लूं, शरीयत ने 14 पे मुझको रोक दिया। भाई कमी किस चीज की है बिनते असद में? पैगंबर उस तरह से भी इत्मीनान दिला सकते हैं और इस तरह से भी इत्मीनान दिला सकते हैं। हम अहले बैत से आपका रिश्ता, फिर आपका अकीदा, फिर आपका अमल, लेकिन नहीं, साहिब ईमान को गुनाहों के रास्ते में नहीं लगाना है, तरीका मुख्तलिफ था। चुनाचे कहा मैं कब्र में उतरा और मैं कब्र को मस कर चुका, इसलिए आप पे कोई अजाब नहीं आएगा। तो कब्र की मंजिल